हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशानुसार गृह रक्षा विभाग की ओर से बिलासपुर जिले की पंतेड़ा व हम्बोर्ट स्कूल में छठी कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक की छात्राओं को आत्म सुरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। बिलासपुर जिले में ये कार्य आदेशक अजय बोध की अध्यक्षता में किया जा रहा है। प्रशिक्षक विजय कुमार व सतीश कुमार द्वारा हम्बोर्ट व पंतेड़ा स्कूलों में बच्चों को आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आने वाले मुश्किल समय में अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। इसके साथ ही बचाव के आपातकालीन तरीके भी सिखाए जा रहे हैं ताकि मुसीबत आने पर बचा जा सके। बच्चों को भूकंप, बाढ़, भूमि कटाव, रोड एक्सीडेंट, चोकिंग, हड्डी टूट, सीपीआर, सांप के काटने का उपचार इत्यादि के बारे में सिखाया जा रहा है। वहीं विजय कुमार ने बताया कि लड़कियां आत्म सुरक्षा के गुर सीखने में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और आत्म सुरक्षा के गुर सीख रही है ताकि मुसीबत आने पर हर प्रकार से आने वाली मुश्किलों का सामना कर सके। घुमारवीं शहर में स्थित हिम सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन सुरेश कुमार सोनी ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। स्कूल प्रधानाचार्य ने वार्षिक रिपोर्ट पढ़कर मुख्य अतिथि को अवगत करवाया। समारोह सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक चला, जिसमें स्कूल के बच्चों के द्वारा विभिन्न विषयों पर लघु नाटिका, समूह नृत्य, एकल नृत्य, नशे के ऊपर नाटिका व लोक संस्कृति के ऊपर विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम बढ़ चढ़कर प्रस्तुत किए गए, जिसमें पंडाल में मौजूद लोग तालियां बजाने को मजबूर हो गए। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन पर बच्चों को नशे से दूर व स्कूल की हर गतिविधि में हिस्सा लेने का आह्वान किया। बच्चे पढ़ाई के साथ अपने जीवन में किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है उस सपने को साकार करने के लिए मेहनत करें तो निश्चय मंजिल आपके कदम चूमेगी। मुख्य अतिथि के द्वारा साल भर की विभिन्न गतिविधियों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। स्कूल प्रबंधक नीलम महाजन, सह प्रबंधक विमल महाजन व कमल महाजन ने मुख्य अतिथि का कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद भी प्रकट किया। घुमारवीं शहर में स्थित नोब्स पब्लिक स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर ओपी शर्मा ने शिरकत की तथा कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर विधिवत पूजा अर्चना के साथ की। इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजन ग्रैंड पेरेंट को सम्मानित करने के साथ बच्चों को अभिभावकों के विचारों के साथ प्रेरित किया गया है। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में ग्रैंड पेरेंट्स के महत्व को बच्चों के जीवन में अतुल क्षण बताते हुए प्रकाश डाला है। बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में दादा दादी व नाना नानी के महत्व को भी समझाया गया है। इस कार्यक्रम में बच्चों ने विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियाँ दी, जिसमें मूछों वाले दादा, कवाली, दादी माँ, कजरा मोहब्बत वाला आदि गानों पर मनमोहक प्रस्तुतियाँ देकर पुरानी यादें ताजा करते हुए मौजूद लोगों को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया गया है। कार्यक्रम में आए हुए बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स को भी विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए कार्यक्रम का भरपूर लुत्फ उठाया। स्कूल प्रधानाचार्य नीलम शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है तथा स्कूल में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन साल भर किए जाते हैं। जिला कांगड़ा में नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए एक महीने का महाअभियान आरंभ हुआ है। अभियान की शुरुआत नशे के खिलाफ जागरूकता रैली से की गई, जिसे डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान ड्रग फ्री हिमाचल ऐप के बारे में भी स्टूडेंट्स को जानकारी दी गई, जिस पर भी
नशे बेचने वालों की जानकारी दी जा सकती है। जागरूकता रैली का आयोजन कचहरी अड्डा हनुमान मंदिर से गांधी वाटिका कोतवाली बाजार धर्मशाला तक किया गया, जिसमें विभिन्न शिक्षण संस्थानों के स्टूडेंट्स व शिक्षकों सहित कई विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। अभियान में विभिन्न विभागों से कर्मचारी नशे के दुरुपयोग तथा नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, जिसमें विभिन्न समूह शिक्षा संस्थानों में नशा करने से होने वाले नुकसानों के बारे में व उनसे बचने के उपाय के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस दौरान पोस्टरों, स्लोगन, पेंटिंग प्रतियोगिता व कविताओं द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रदेश भर में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, जिसकी जिला कांगड़ा में शुरुआत की गई है। न केवल जिला मुख्यालय बल्कि हर उपमंडल में ये अभियान चलेगा। अभियान के तहत लोगों को नशे से दूर रहने तथा इससे कैसे बचा जाए इसके बारे में जागरूक किया जाएगा।